पोटका थाना अंतर्गत तिरिलडीह में एक व्यक्ति को विषाक्त पदार्थ खिलाने का मामला प्रकाश में आया है। पोटका थाना अंतर्गत तिरिलडीह में एक शादी समारोह में आए व्यक्ति को गंभीर अवस्था में एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। व्यक्ति का नाम अन्मेष है और वो नीम बेहोशी की हालत में है। उसकी पत्नी ने बताया कि पति को विषाक्त पदार्थ खिलाया गया है। झगड़ा हुआ था ना, दो दिन पहले उन्होंने ले गया था उसको बहला फुसला के, और बहुत क्या बोलते हैं पिलाया था उसके बाद फिर कल थोड़ा सा शाम को खाना खाया और आज फिर गया था, एक दूर से गया जहाँ उनका घर में शादी हो रहा है। किनका घर में शादी हो रहा था? विमल सिंह। हाँ, विमल सिंह। कहाँ पर है घर उनका? गांव में ही है। क्या नाम है गांव का? सेंटर फॉर वर्ल्ड सेलिडेटरी द्वारा स्कूलों में न्यूट्रिशन गार्डन का आयोजन किया गया, जिसके तहत बच्चों को खुद खाद्य पदार्थों को उपजाना सिखाया गया। सेंटर फॉर वर्ल्ड सॉलिडेरिटी द्वारा स्कूलों में बच्चों को न्यूट्रिशन गार्डन के तहत विभिन्न खाद्य पदार्थों को उगाना सिखाया जा रहा है। गमलों में किस तरह बागवानी की जाएगी, इसका प्रशिक्षण वर्ल्ड सॉलिडेरिटी की टीम दे रही है। मैसेज लेके जाएंगे आज यहाँ पे, वो सीखेंगे किस तरह से अपना खाना वो खुद उगा सकते हैं, और साथ ही अलग स्कूल्स में, अपने घर में, अपने दोस्तों के यहाँ, अपने रिलेटिव्स के यहाँ, खुद के घर में अपना खाना खुद उगाना सीखेंगे। इनर व्हील क्लब की वार्षिक बैठक में वर्ष 2018 से 19 के लिए अमिता सिन्हा को अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। इस मौके पर क्लब के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद थे। हमें क्या प्रोग्राम हम लोग, हमारा इनर व्हील ईयर स्टार्ट होता है 1 जुलाई से, तो हम लोग 30 जून और 1 तारीख को छपरा में जो हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम होता है उसमें लास्ट ईयर के हमारे जो हमने प्रोजेक्ट्स किए थे उसके ऊपर हम लोग को 5 अवार्ड मिले हैं, तो उसमें से हमारा क्लब स्टार क्लब बना है नेशन बिल्डर अवार्ड में, जिसमें जो टीचर्स डे के टाइम हम लोग ने 6 स्कूल्स में सर्वे करके और टीचर्स को, 6 गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स को सम्मानित किया था एक प्रोग्राम करके। सीताराम डेरा की रहने वाली महिला पार्वती नामक महिला ने बिल्डर मनोज गुप्ता पर जबरन उसकी भूमि पर कब्जा करने की शिकायत एसटीओ से की थी। और ये पार्वती बोईपाई जो सीताराम डेरा का मामला है, जो मनोज गुप्ता द्वारा जो है जमीन को जो है जबरन जो है अतिक्रमण कर उस पर बिल्डिंग बनाया जा रहा है, इनका लिखित शिकायत हम लोग पूर्व में SSP अनुमंडल पदाधिकारी और हम लोग DC को भी हम लोग इसका आवेदन दिया था, लेकिन इस पर कोई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। ये बेचारी दर दर भटक रही।